नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। आज मध्य प्रदेश उज्जैन को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मेडिकल कॉलेज और मेडिसिटी का भूमि पूजन होने जा रहा है। इसके साथ ही कुछ समय पहले भीमराव अंबेडकर प्रतिमा को किसी और सामाजिक तत्व द्वारा खंडित कर दी गई थी। आज मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई है और इसका अनावरण करने स्वयं मुख्यमंत्री जी डाबर चौक फ्रिंगज पहुंचेंगे। उज्जैन पुलिस सिंघम प्रदीप शर्मा द्वारा स्वयं ने उनकी सुरक्षा का जायजा लिया और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मौजूद पुलिसकर्मियों को उचित निर्देश दिए। देखिए, आज यहाँ पर उज्जैन में प्रदेश मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आ रहे हैं और उज्जैन में आज सबसे बड़ी सौगात देने जा रही हैं। आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर उज्जैन में हैं, यहाँ पर टावर पर स्थित है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आएंगे और यहाँ पर जो संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम भी करेंगे और उनका अनावरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। और आप देख सकते हो कि अभी हम बात करेंगे कि चारों तरफ आज उज्जैन को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। विशेष यहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से लगा हुआ है और आप देख सकते हो कि पुलिस रिहर्सल में लगी हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को देखते हुए। हमारे बीच में यहाँ पर सीएसपी दीपिका सिंधे मैडम यहाँ पर मौजूद है। मैडम, आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारी पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर? जो भी सुरक्षा के नाम से माननीय सीएम महोदय के फुलफिल किए जाते हैं और जो भी आवश्यक सावधानियां रखनी है वो रखी जा रही है। बल की बात करें तो कितनी सुरक्षा यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए लगी है? संख्यात्मक तो इस समय मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, पर जो भी आवश्यक है उनके लिए वो सभी प्रोटोकॉल लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आज कई वीआईपी यहाँ पर उज्जैन में आए हुए हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है। अब हम यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यहाँ पर गेट दिखाएंगे। देखिए आप कितना अच्छा गेट का सौंदर्यीकरण यहाँ पर किया गया है और अब यहाँ पर जो होगा उसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरी प्रशासन लगी हुई है यहाँ पर और पूरा आप देख सकते हो यहाँ पर जो भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के रचयिता है उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और पूरा यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से और नगर निगम का अधिकारी भी यहाँ पर लगे हुए हैं और पूरी प्रशासन की ओर देख सकते हो कि पूरा जो बगीचा है एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरी तरह से यहाँ पर एक अलग ही अनोखा अंदाजा दिखाई दे रहा है सुंदरता को लेकर, यानी वास्तविकता में यहाँ पर जो आज सौगात मिलने वाली है मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो वास्तविक में उसकी प्रशंसा करने लायक है और बहुत ही बड़ी यहाँ पर आज सौगात मिलने जा रही है और हर चेहरे पर यहाँ पर मुस्कान यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की जनता पर दिखाई दे रही है। भारत टाइम्स न्यूज के साथ में कैमरा पर्सन रवि के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट उज्जैन। ये 3 दिन से सभी जगह चेकिंग जारी है, सभी कार्यक्रम स्थलों पर वेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। कई जगह मल्टीपल कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री जी के और मंत्री जी के, उसको देखते हुए सभी जगह पुलिस बल लगाया गया है। बाहर से भी कुछ पुलिस बल की डिमांड की गई है, वो सभी जगह डिप्लॉयड है। रात भर से सभी जगह पर्याप्त व्यवस्था की है, किसी प्रकार की जनता को कोई दिक्कत नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखा गया। करीब 1400 आदमी है जो पूरे जिले में आज डिप्लॉयड रहेंगे, जिसमें ट्रैफिक का बल भी शामिल है और जो हमारे गार्ड सभी जगह लगे हैं वो सभी जगह डिप्लॉयड है।